क्या सच में गाल पर चुम्बन करने से पिंपल्स होते हैं? आखिर किन किन वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं? और एक ऐसी ट्रिक है जो जिंदगी भर के लिए आपके पिंपल्स को गायब कर देगी। दोस्तों, आजकल मुहासे यानी कि पिंपल की समस्या एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम हो गई है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें ये समस्या ज्यादा परेशान करती रहती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और वो इसके कारण डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। देखिए, हमारे स्किन पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इनके फॉलिकल्स हमारे स्किन के बीच वाली लेयर डर्मिस में पाए जाते हैं। हमारे स्किन के अंदर एक ऑयल प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड होता है जिसे सीबेशियस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये ग्लैंड सीबम नाम का एक ऑयल रिलीज करता है। ये सीबम आपके स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी मॉइस्चराइज करता है, स्किन को बैक्टीरिया से और बाहरी किरणों से बचाता है। टीनेज में बहुत सारे हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। इन हार्मोन के कारण सीबम प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। हमारे स्किन की डेड सेल्स हमेशा शेड होकर बाहर निकलती है और नई सेल इसे रिप्लेस कर देती है। कभी कभी जब इन डेड सेल्स की सफाई नहीं होती तो ये डेड सेल्स हमारे स्किन के पोर्स यानी कि छिद्र में जमा हो जाती है। तब सीबम इन पोर्स में जमा होता है तो यहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण सूजन और रेडनेस आ जाती है। मुहासे आमतौर पर एंड्रोजन नामक हार्मोन की वृद्धि के कारण होता है। ये हार्मोन सीबेकस ग्लैंड के आकार को बढ़ाता है जिससे तेल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया इस तेल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं तो हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है और इस कारण हमारे छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं और मुहासे आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कील मुहासे चेहरे पर ही सबसे ज्यादा क्यों आते हैं? तो इसका कारण ये है कि हमारे चेहरे की स्किन पर सबसे ज्यादा सीबेकस ग्लैंड पाई जाती है। पिंपल्स चेहरे के कुछ हिस्से में ज्यादा होते हैं जहाँ ऑयल ग्लैंड्स अधिक सक्रिय होती है, जैसे चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, पीठ का ऊपर वाला हिस्सा। मुहासे आपके स्किन पर मवाद या फिर मवाद के छोटे बड़े आकार के थक्के के रूप में दिखाई देते हैं। मुहासे जवानी के दिनों में लड़के और लड़कियों दोनों को निकल सकते हैं। आइए जानते हैं इससे छुटकारा पाने का आसान तरीका। हमारे चेहरे पर मुहासे उगने की इकलौती वजह हमारे हार्मोन ही नहीं है बल्कि हमारे पेट में होने वाले कब्ज, हमारे दिमाग पर चढ़ा तनाव और शरीर में मौजूद अन्य बीमारियां भी होती है। कई बार अन्य स्किन प्रॉब्लम के कारण भी हमें मुहासे होते हैं। कई बार खान पान ठीक से न होने की वजह से हमें कब्ज की समस्या हो जाती है जिससे हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ पाते। लेकिन हमारी बॉडी किसी भी तरह का गार्बेज अपने अंदर नहीं रखती है और उसे बाहर निकालने का रास्ता खोज ही लेती है। इस वजह से कब्ज के कारण जो हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं उन्हें बॉडी स्किन के रोम छिद्रों के द्वारा बाहर फेंकने लगती है ताकि शरीर के अंदर कोई घातक बीमारी न पनपे। जिन लोगों की स्किन बहुत ऑयली या बहुत ड्राई होती है उनकी स्किन पर एक खास तरह का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है जो दानों और पिंपल्स की वजह बनता है। बॉडी पर कहीं भी और खास तौर पर चेहरे के पिंपल्स की एक वजह किसी दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है। कई बार हम किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं जो हमारी उस बीमारी को ठीक तो कर देती है लेकिन उन दवाइयों के रिएक्शन के कारण हमारे चेहरे पर पिंपल्स उगाते हैं। स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि मुहासे नोचने से क्या समस्याएं पैदा होती है। आपके घर में जब भी बड़े आपको अपने चेहरे से उगे पिंपल्स को नोचते हुए देखते होंगे तो आपको ऐसा न करने की सलाह उन्होंने जरूर दी होगी। ऐसा इसलिए बोला जाता है ताकि इसके अंदर पनपता बैक्टीरिया बाकी स्किन पर न फैले। साथ ही पिंपल्स नोचने के कारण स्किन सेल्स बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और हमारी त्वचा पर पिंपल्स का दाग बन जाता है। इस दाग को हटाने में कई बार महीनों बीत जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि पिंपल्स से बचने के लिए चेहरे को साफ रखना बहुत जरूरी है। आप मुहासे को बढ़ने से रोकने के लिए अपने चेहरे को रोजाना माइल्ड फेस क्लींजर और गर्म पानी से धोएं। डेली मॉइस्चराइजर का यूज भी आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए जंक फूड और तली भुनी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज न हो। यदि आपको मुहासे हो गए हैं तो हेल्दी खाना खाएं, टेंशन से दूर रहें, योगा करें और खूब पानी पिएं।